गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 4। हमने अभी तक चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट किया था। मैंने आपको उसकी पीडीएफ भी भेजी है। आपने आई होप आप सब ने उसके क्वेश्चन आंसर्स भी लिखे होंगे। आप कॉपी स्कूल में चेक करने के लिए सेंड करेंगे। ओके, नाउ टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 4। हमारा चैप्टर नंबर 4 है, वो है द क्लेवर जज ऑफ बगदाद। एक क्लेवर जज के बारे में है जो कि बगदाद में रहता था। बगदाद एक सिटी का नाम है। ओके, नाउ वी स्टार्ट अ चैप्टर। ओवर 1000 ईयर्स अगो इन द रेंज ऑफ फेमस कैलिफ हैरन ऑल रेस्टेड देयर लिव्ड अ बगदाद अ मर्चेंट। ठीक है, ये एक जगह का नाम है। ओके, ओवर 1000 ईयर्स अगो इन द रेंज ऑफ फेमस कैलिफ। रेंज मतलब द टाइम ड्यूरिंग विच एम्परर रूल्स, यानी कि पुराने ज़माने में जब एम्परर लोग राज करते थे उस टाइम की बात है। वहाँ पर एक फेमस कैलिफ हैरन एल रशीद नाम की एक जगह थी। देयर लिव्ड इन बगदाद एक एम्परर था जिसका नाम था कैलिफ हैरन एल रशीद। वो बगदाद में रहता था और एक वो मर्चेंट था। मर्चेंट मतलब एक क्या बोलते हैं मर्चेंट को, एक जो डीलिंग्स करते हैं ना, पैसे का लेन देन, सामान रखना और उसके बदले में पैसे देना, इस टाइप का धंधा, मतलब बिजनेस करता था। ओके, ही नीडेड टू ट्रैवल ऑन एन एक्सटेंडेड जर्नी। एक बार क्या हुआ, उसे बहुत दूर अपने किसी ज़रूरी काम से उसे जाना पड़ गया। ही हैड टू फाइंड अ सेफ प्लेस टू लिव हिज प्राइवेट ट्रेजर 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड। अब उसके पास एक बहुत ही ज़रूरी ट्रेजर था। ट्रेजर मतलब खजाना। तो उसने उसको वो खजाना कहीं पर रखना था। तो वो सोच रहा था कि मैं ये खजाना कहाँ रखूँ। ही पुट द गोल्ड इन अ लार्ज जार एंड कवर्ड द गोल्ड विथ ऑलिव्स। उसने एक बहुत बड़ा जार लिया, जार मतलब एक बहुत बड़ा मटका लिया, उसमें उसने नीचे गोल्ड कॉइन्स रख दिया और ऊपर बहुत सारे ऑलिव्स रख दिए। ऑलिव्स एक फ्रूट का नाम है। ओके, उसने उसके ऊपर बहुत सारे ऑलिव्स रख दिए। ही कैरिड टू हिज नेबर एंड सेड टू हिम। अब उसने क्या किया, वो जार ले जाके अपनी नेबर को दिया। सेड, डियर फ्रेंड, इन फ्यू डेज आई प्लान टू डिपार्ट ऑन अ जर्नी। ओके, इन फ्यू डेज मतलब थोड़े दिन में मैं एक जर्नी पे जाने वाला हूँ, मैं एक जगह पर जाने वाला हूँ। प्लीज़ टेक चार्ज ऑफ अ जार ऑफ ऑलिव्स फॉर मी टिल आई रिटर्न। मैं जब तक आता हूँ क्या तुम ये ऑलिव्स का जार अपने पास संभाल के रख सकते हो जब तक मैं वापस नहीं आता। द फ्रेंड प्रोमिस दैट ही वुड। तो उसने क्या कहा कि क्यों नहीं, बिल्कुल मैं ये संभाल के रखूँगा, तुम निश्चिंत होकर यहाँ से जा सकते हो। द मर्चेंट वॉज एबसेंट फॉर 7 ईयर्स फ्रॉम बगदाद। अब जब उसके नेबर ने वो जार रख लिया, लेकिन वो जो फ्रेंड था, मर्चेंट था, वो 7 ईयर्स तक वापस नहीं आया। ऑल दिस टाइम हिज फ्रेंड विथ हुम ही हैड लेफ्ट हिज जार ऑफ ओलिव्स नाइदर थॉट ऑफ हिम नॉर ऑफ द जार। अब जिसके पास उसने वो नेबर के पास में जार रखा था, नेबर को भी ध्यान नहीं था और उसको उसको भी ध्यान नहीं था कि मेरे पास उसका जार पड़ा है, ना कि उसको नेबर ध्यान था, ना ही उसको मर्चेंट ध्यान था और ना ही उसको उस जार के बारे में कुछ भी याद था। वन इवनिंग द कन्वर्सेशन बिटवीन द मर्चेंट एंड हिज वाइफ हैपन टू फॉल अपॉन ओलिव्स। एक दिन शाम को वो और उसकी वाइफ, यानी कि नेबर और उसकी वाइफ, ऐसे ही बैठे बैठे सोच रहे थे उस, तो उन्हें अचानक उन्हें याद आया उस जार के बारे में और ऑलिव्स के बारे में। ठीक है, नाउ दैट यू स्पीक ऑफ ऑलिव्स सेड द मर्चेंट टू हिज वाइफ। अच्छा, तुमने मुझे याद दिलाया उस ऑलिव्स के बारे में। यू रिमाइंड मी ऑफ अ जार दैट माई फ्रेंड लेफ्ट विथ मी 7 ईयर्स अगो। उसकी वाइफ ने उसे याद दिलाया कि 7 साल पहले आपका एक दोस्त आया था और वो आपके पास में ये जार छोड़ कर गया था। आई वंडर वॉट हैज़ बिकम ऑफ द ऑलिव्स। मैं सोच भी नहीं सकता कि इस ऑलिव्स का क्या हुआ होगा। एक फ्रूट है, अगर आप उसको जार में बंद करोगे तो वो कितने दिन में ख़राब हो जाएगा, मुश्किल से एक दिन। वो ऑलिव्स में एक दिन में ख़राब हो जाते हैं। तो वो उसने क्या बोला कि मैं सोच भी नहीं सकता उन ऑलिव्स का क्या हुआ होगा। गिव मी अ प्लेट एंड अ कैंडल। तो जो नेबर था उसने अपनी वाइफ को बोला, तुम मुझे एक कैंडल दो
और एक प्लेट दो। आई विल फैच सम ऑफ देम एंड विल टेस्ट देम। अब मैं उनको थोड़ा सा टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ उनका क्या हाल है। प्लीज़ हस्बैंड, सेड द वाइफ। तो उसकी वाइफ ने बोला, प्लीज़ ऐसी गलती करना भी मत, डू नॉट कमिट सो बेस एंड एक्शन। ठीक है, बेस का मतलब यहाँ पर है लो, रॉन्ग एक्ट, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। उन ऑलिव्स, इतने पुराने ऑलिव्स को टेस्ट मत करना। बिसाइड्स, डू यू थिंक द ऑलिव्स कैन बी गुड आफ्टर दे हैव बीन केप्ट सो लॉन्ग? दे मस्ट ऑल बी स्पॉइल्ड। ठीक है, वो उसको बोलती है, क्या तुम्हें लगता है कि आज भी वो ऑलिव्स सही होंगे? नहीं, वो बिल्कुल ख़राब हो चुके होंगे, और उन्हें टेस्ट करने की गलती तुम करना भी मत। ओके, नाउ नेवरथलेस आफ्टर अ सुपर द मर्चेंट एंटर्ड द वेयर हाउस। फिर भी वो उसकी वाइफ की बिल्कुल नहीं सुनता है, और वो उस वेयर हाउस में, यानी कि जहाँ वो कभी कभी जाता है, वहाँ पर वो चला जाता है। फाउंड द जार, उसे वो जार वहाँ दिख जाता है, ओपनड इट, वो उसे खोलने की कोशिश करता है, एंड फाउंड मोल्डी ऑलिव्स, और वो देखता है कि वो ऑलिव्स बिल्कुल सूख चुके हैं, बिल्कुल छोटे शेप में हो चुके हैं। बट टू सी इफ दे वेयर ऑल इन द सेम कंडीशन एट द बॉटम। पर उसे क्या देखना था कि क्या नीचे तक भी वो सही है या ख़राब हो गए नीचे से। उसके लिए वो क्या करेगा, अब देखते हैं। ही शुक द जार आउट एंड ट्रम्बल सम ऑफ द गोल्ड पीसेस। फिर जैसे ही वो जार को उल्टा करता है, उसमें से पूरा ऑलिव्स निकालने की कोशिश करता है, वो क्या देखता है, इसमें तो बहुत सारा गोल्ड है। ठीक है, इस चैप्टर को आप यहाँ तक रीड करिए, हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।